हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सौरभ केडिया आज एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसका नाम है बिगेस्ट लूपोल इन बजट 2019-20। लास्ट बजट में मैंने ये बताया था कि बजट से सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज़ पर क्या क्या बेनिफिट मिले हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और इस वीडियो में अपने देखेंगे कि इस बजट में, उसी बजट में जहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है उसी बजट में बहुत ही बड़ा लूपोल है। सरकार ने बजट के टाइम पर जो बेनिफिट दी थी उस बेनिफिट में एक ऐसी लूपोल है जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। क्या है वो लूपोल और उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या समाधान हो सकता है, वो अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप देखोगे आपके स्क्रीन के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, आप इसको प्रेस करें और प्रेस करने के बाद ही आपका जाके सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको एक स्मॉल में ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि क्या बेनिफिट्स थे सैलरीड क्लास के और क्या नहीं थे। आपने देखा होगा कि सैलरीड क्लास में फुल टैक्स रिबेट था इंडिविजुअल के लिए विथ इनकम अप टू 5 लाख, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इंक्रीज किया गया था 40,000 से 50,000 तक। तो ये दो मेजर बेनिफिट सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज को दिए गए थे, और अपना लूपोल भी एक्चुअल में इसी में छिपा हुआ है, खास करके फर्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे आप देखोगे फुल टैक्स बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल विथ इनकम अप टू 5 लाख। सो आपने देखते हैं क्या लूपोल है और कैसे उसको डील किया जाता है। सेक्शन 87A, जो सेक्शन 87A है रिबेट सेक्शन, वो ये बोलता है कि इट प्रोवाइड फॉर अ रिबेट ऑफ अमाउंट इक्वल्स टू 100% ऑफ सच इनकम और एन अमाउंट ऑफ INR 12,500 विच एवर इज लोअर। मैंने इसके बारे में और डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ पे इसका और इन डेप्थ में देख सकते हो कि ये रिबेट सेक्शन क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो उस पर फोकस ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तब आते हैं अपने लूपोल पे कि एक्चुअल में ये लूपोल है क्या, कहाँ पे सरकार से चूक हो गई। तो अपने दो सिनेरियो यहाँ कंपेयर करेंगे। पहला सिनेरियो में आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रहेगा और सेकंड सिनेरियो में 5,10,000 रहेगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको समझने में और आसानी रहेगी। तो अपने आगे बढ़ते हैं। अप टू 2,50,000 तक अपने जानते हैं टैक्स स्लैब आपका नील है, तो आपको जाके उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दो बोथ सिनेरियो में यही चीज़ है। फिर 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है, जिसमें आपको सिनेरियो वन और सिनेरियो टू दोनों में 12,500 की टैक्स देनी पड़ेगी। और थर्ड सिनेरियो 5 लाख से 10 लाख तक 20% की रेट है, और क्योंकि आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख है तो आप इस स्लैब में फॉल नहीं करोगे और ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इसमें आप फॉल करोगे जो मात्र 2 रुपये रहेंगे। तो हम यहाँ देखोगे दोनों सिनेरियो में सिर्फ 10 रुपये के अंतर है नेट टैक्सेबल इनकम में, और इस दोनों सिनेरियो में टैक्स में क्या इफेक्ट रहेगा वो आपको इस कैलकुलेशन के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम पे टोटल टैक्स कितना आ गया, 12,500, और इसमें 12,500 और 2। अब बिकॉज ऑफ 87 ने आपको इसमें रिबेट मिल जाएगा 12,500 का, बट इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो कि 87 ने में स्पेसिफिकली बोला गया है कि इसका बेनिफिट आप तभी ले सकते हो जब आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम रहेगा या 5 लाख तक रहेगा। तो इस केस में आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आपको 87A का बेनिफिट मिल रहा है, बट इस केस में आप देखोगे जहाँ आपका 5,10,000 हो जाते हैं वहाँ पे आपको 87A का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फर्स्ट केस में कुछ भी टैक्स नहीं देना, बट सेकेंड सिनेरियो में आपको 12,502 की टैक्स देनी है। इतना ही नहीं, इसके बाद आपको सेस भी देना है। ये सेस आपका 4% है ऑफ द टैक्स अमाउंट, मतलब 12,502 का 4% जो आपका अप्रॉक्स 500 आएगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको 13,002 रुपये एज अ टैक्स देना पड़ेगा। तब देखना चाहोगे कि ये दो सिनेरियो में सिर्फ 10 रुपये के आपका इनकम में डिफरेंस था, बट बिकॉज ऑफ दिस 10 रुपीज आपका टैक्स पेमेंट जो है 13,000 का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज समथिंग स्ट्रेंज एंड समथिंग वेरी वियर्ड जो गवर्नमेंट को एड्रेस करना है, और यही सबसे बड़ी लूपोल है जिसके बारे में अपने बात कर रहे थे। तो ये लूपोल को अपने कैसे डील कर सकते हैं और उसमें इसको कैसे गवर्नमेंट आगे जाके चेंज कर सकता है वो भी अपने देखेंगे। तो चलिए उसकी तरफ आगे मूव करते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम, मार्जिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मार्जिनल रिलीफ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक ये मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन गवर्नमेंट ने इस बजट में नहीं दिया है, खास करके इस एरिया में। ऐसे मार्जिनल रिलीफ दूसरे एरिया में ऑलरेडी एप्लीकेबल है सरचार्ज के एरिया में, बट इन दिस सेक्टर
जो 5 लाख का एग्जेम्पशन है 87A का, इसमें मार्जिनल रिलीफ का कोई चर्चा नहीं है और इसमें कोई बेनिफिट अभी तक नहीं मिलता है। बट गवर्नमेंट ये सॉल्यूशन आने टाइम पे ला सकता है दैट, और ये अपने ये देखेंगे कि मार्जिन रिलीफ क्या है और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मार्जिन रिलीफ क्या है? मार्जिन रिलीफ इज अ कॉन्सेप्ट डिजाइन टू प्रोवाइड अ रिलैक्सेशन ऑफ फ्रॉम लेवी ऑफ टैक्स वेयर द नेट टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स मार्जिनली अबव द नॉन टैक्सेबल लिमिट इन दिस केस 5 लाख। तो अपने देखे थे कि आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, नेट टैक्सेबल इनकम आपका मार्जिनली अगर इंक्रीज हो रहा है नॉन टैक्सेबल लिमिट से, मतलब 5 लाख से मार्जिनली इंक्रीज कर रहा था। लास्ट एग्जाम्पल में अपने देखे थे कि 5 लाख था एक सिनेरियो फॉर सिनेरियो वन, और सिनेरियो टू में था 5 लाख 10 रुपया। तो 10 रुपये जो आपका इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट, आपका अगर टैक्स में स्लैब में चेंजेस हो रहा है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। और मार्जिनल रिलीफ आज के रेट में ही सरचार्ज कंप्यूटेशन के टाइम पे यूज होता है। ये कैसे वर्क करता है ये अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाउ इट वर्क्स, वेल कंप्यूटिंग अ टैक्स लायबिलिटी इन केस द टैक्स पेयर हैव नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मोर देन 5 लाख, मार्जिन रिलीफ इज अवेलेबल इन सच अ मैनर दैट द टैक्स पेबल शैल नॉट एक्सीड। जो टैक्स पेबल है आपका, अगर मार्जिनल रिलीफ क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका 5 लाख से नेट टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो मार्जिनल रिलीफ विल बी एप्लीकेबल इन सच अ मैनर दैट टैक्स लायबिलिटी शैल नॉट एक्सीड, टैक्स लायबिलिटी आपका इंक्रीज नहीं करेगा। द अमाउंट पेबल इज इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ INR 5 लाख, मतलब कि टोटल इनकम ऑफ INR 5 लाख में आप कितना देते थे, नील, बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड्स 5 लाख। लास्ट एग्जाम्पल में देखते कि सिनेरियो टू में आपका इनकम कितना था, 5 लाख 10 रुपए, राइट, और आपको 5 लाख तक कितना देना पड़ता था, नील, और 5 लाख के ऊपर आपका इनकम कितना एक्सीड कर रहा है, सिर्फ 10 रुपए। तो आपको जो टैक्स लाइबिलिटी रहेगा ना वो सिर्फ 10 रुपए रहेगा, ना कि 13,000 रुपए रहेगा। तो ये मार्जिनल रिलीफ कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो इसका एक अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं, देखते हैं कैसे क्या वर्क करता है। तो देखते हैं आगे कैसे ये होगा। अगर टैक्स लाइबिलिटी तो अपने यहाँ देखेंगे कि पहले के सिनेरियो में कैसे होता था और बाद में कैसे होता है। बिफोर मतलब हो गया कि आपका मार्जिनल रिलीफ आने के पहले, और आफ्टर हो गया मार्जिनल रिलीफ आने के बाद। मान लीजिए मार्जिनल रिलीफ नहीं है, लाइक आज के जो नॉर्मल केस है उसमें कैसे होगा, आपका मान लीजिए नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख 1 हज़ार है, तो उसमें आप 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो आपका 12,500 आता है, और 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख 20% के हिसाब से 200, तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम 12,700 आ रहा है, और उस पर आपको सेस देना पड़ेगा फिर 508 रुपये, जो आपका नेट टैक्स पेबल 13,208 आएगा, जो आपने पहले भी देखे थे। बट मार्जिन रिलीफ आने के बाद ये कैसे चेंज होगा, तो इसमें आप देखोगे इसमें ड्रास्टिक चेंजेस आता है। कैसे क्या होगा, तो 5 लाख 1 हज़ार का आपका नेट टैक्सेबल इनकम है, फिर आप देखोगे 12,500 जो है 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, 212,700 वैसे ही कंप्यूट होगा, बट यहाँ पे मार्जिन रिलीफ कमिंग टू पिक्चर। तो मार्जिन रिलीफ कैसे पिक्चर में आएगा, तो ये है आपका टैक्स अप टू 5 लाख कितना है, नील, क्योंकि आपने यहाँ देखा था ना कि 5 लाख तक आपका जाके 12,500 रहता था, अगर 5 लाख आपका नेट टैक्सेबल इनकम है तो 12,500 माइनस 12,500 87A का रिबेट, तो नेट इम्पैक्ट आपका नील टैक्स आ रहा था, राइट। अब नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर कितना है आपका, 1,000, 5 लाख से कितना ज़्यादा इनकम आपका यहाँ पे हो रहा है, 1,000 हो रहा है, तो टैक्स अंडर मार्जिन रिलीफ जो है 1,000 रहेगा। अब टैक्स अंडर मार्जिन रिलीफ, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में आफ्टर मार्जिन रिलीफ का इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो नॉर्मल टैक्स हो रहा है वो एंड टैक्स अंडर मार्जिन रिलीफ, इस दोनों में जो हायर रहेगा दैट विल बी टेकन एट द नेट टैक्स अमाउंट। सो 12,700 और 1,000, इस दोनों का जो सॉरी जो लोअर रहेगा, लोअर ऑफ 12,700 एंड 1,000 विल बी टेकन एज द टैक्स अमाउंट। सो टैक्स एक्सक्लूडिंग द सेस विल बी 1,000, आपको फिर सेस देना पड़ेगा 4% ऑफ द टैक्स अमाउंट, दैट इज 1,000 पे 40 रुपये, और टोटल टैक्स पेबल रहेगा 1,040 रुपये। सो मार्जिन रिलीफ के इंट्रोडक्शन के बाद ये ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, जो आपका 13,208 का टैक्स है वो 1,000 हो जाएगा, और अराउंड ऑफ देखोगे आपका 12,000 रुपये का कुल सेविंग आएगा। तो दिस 12,000 रुपये का सेविंग इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, ये बहुत अच्छी अमाउंट है, और गवर्नमेंट से मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट इस एरिया में देखेंगी और इस चेंजेस को लाएगी, क्योंकि अभी आप बजट देखोगे ये इंटरिम बजट है और फाइनल बजट नहीं है, तो गवर्नमेंट अभी चेंजेस इसमें लाना चाहे तो ला सकती है, और फाइनल बजट कोई भी गवर्नमेंट आए इनफैक्ट, तो फाइनल बजट में ये चेंजेस को प्रपोज कर रहे और एप्लीकेबल करे, जिससे एक नॉर्मल टैक्स पेयर को बहुत सारी बेनिफिट हो। तो आशा करता हूँ गवर्नमेंट ये चेंजेस पर ध्यान देगी और इम्प्लीमेंट करेंगी।
तो इसी से के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और आपको बोल मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी है, कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमें मैसेज करें और कमेंट के थ्रू हमें बताएं कि हमें क्या और इसमें इम्प्रूव करना है क्या नहीं करना है। आपका फीडबैक हमेशा हमारे लिए वैल्यूएबल रहता है, और कोई भी आपको डाउट रहे तो आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बोलें, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उस पर आपको रिप्लाई करने का और पर्सनली कम्युनिकेट करने का। थैंक यू।